गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धीरज अवस्थी आज आप लोगों के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पौधों में विभिन्न तत्वों की कमी के लक्षण और उनके कार्य। आप लोग यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले पौधों में पत्तियों को चार प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक, पुरानी पत्तियों में लक्षण। नंबर दो, नई पत्तियों में कमी के लक्षण। नंबर तीन, मध्य पत्तियों में कमी के लक्षण। और नंबर चार पे आता है, शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण। पुरानी पत्तियों में जो कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के कारण। नई पत्तियों में जो कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर के कारण तथा मध्य पत्तियों पर जो कमी के लक्षण प्रेजेंट होते हैं वो जिंक की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट, शीर्ष कलिका पर जो कमी के लक्षण दिखते हैं वो कैल्शियम और बोरान के कारण उत्पन्न होते हैं। पुरानी पत्तियों में कमी के लक्षण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम के कारण होते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं मृत धब्बे जो बनते हैं, डेड नेक्रोसिस होती है, वो पोटेशियम और मोलिब्डेनम के कारण होती है। जो मृत धब्बे हैं, डेड नेक्रोसिस है, वो पोटेशियम और मोलिब्डेनम के कारण होती है तथा बैंगनी रंग का हो जाता, पत्तियां जो हैं वो बैंगनी रंग की हो जाती हैं, जिसका रीजन फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिसका रीजन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्तियों के किनारे व अग्रभाग पर मृत धब्बे बन जाते हैं। जब पत्तियों के अगले भाग पर वह किनारों पर मृत धब्बे बन जाते हैं, जिसका कारण पोटेशियम होता है। पूरे भाग पर छोटे छोटे धब्बे जब दिखाई देते हैं उसका रीजन मोलिब्डेनम होता है। इसी प्रकार पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जो कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के कारण होती हैं, तो उसमें आप लोगों को बताते हैं किस कमी के कारण नाइट्रोजन की कमी के कारण कैसी होती है और मैग्नीशियम की कमी के कारण कैसी होती है। जब पत्तियां व उनकी सिराएं पीली तथा पड़ जाएं, जब पत्तियों के साथ साथ सिराएं भी पीली पड़ जाएं और पौधा बौना रह जाए, तब नाइट्रोजन की कमी होती है तथा जब पर फलक पीले पड़ जाएं व सिराएं हरी बनी रहें, तब मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। आइए नेक्स्ट हम देते हैं नई पत्ती पर कमी के लक्षण। आप लोग जानते हैं सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर की कमी के कारण होता है। तो सबसे पहले पत्तियां, जो नई पत्तियां हैं वह सिराएं भी, पत्तियों के साथ साथ सिराएं भी पीली जब पड़ जाती हैं, जिसका रीजन सल्फर और कॉपर होता है तथा नई पत्तियों की सिराएं हरी रहें व फलक पर्ण फलक पीले पड़ जाएं, तब आयरन और मैग्नीज की कमी होती है। अब देखते हैं जब अतियो कमी में पत्तियां केवल पीली पड़ती हैं, जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और पत्तियां केवल पीली पड़ती हैं, तब सल्फर की कमी होती है तथा जब बहुत ज्यादा कमी में पत्तियां सफेद हो जाती हैं तब कॉपर की कमी होती है। नेक्स्ट, पत्तियां सफेद रहें व उनकी सिराएं, पत्तियां सफेद रहें व उनकी सिराएं हरी हो जाएं, जिसका रीजन आयरन होता है तथा पत्तियां सफेद नहीं परंतु सिराएं हरी रहें, पत्तियां सफेद ना हो परंतु सिराएं हरी रहें, तब मैग्नीज की
कमी होती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य पत्ती। तो मध्य पत्ती में केवल एक एलिमेंट की कमी होती है, वो जिंक की, जिसके कारण पत्तियों का रंग तांबे जैसा हो जाता है, उनके इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। आइए शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण देख लें। तो आप जानते हैं कैल्शियम और बोरान की कमी कारण शीर्ष कलिका पर लक्षण दिखते हैं। तो जब कलिका में नेक्रोसिस यदि ऊपर से होना प्रारंभ हो, कलिका में यदि जो सड़न है, धब्बे बन रहे हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर प्रारंभ हो तथा कलिका का आधार भाग, निचला भाग हरा रहे, तब कैल्शियम की कमी होती है। तथा जब कलिका में नेक्रोसिस जो है, सड़न जो है, धब्बे हैं, वो नीचे से प्रारंभ बनना प्रारंभ हो और अग्रभाग झाड़ू के समान हो जाए, तब बोरान की इफिशियंसी होती है, कमी होती है। थैंक यू।